दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल में एक या दो स्थानों पर लू की स्थिति देखी गई। दिल्ली के नजफगढ़ में सोमवार को सबसे अधिकतर तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नरेला और पीतमपुरा में क्रमश 45.3 डिग्री सेल्सियस और 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने बिहार में येलो अलर्ट जारी किया। 26 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। बिहार के कई हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। बिहार के कई जिले इस दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद जिले में दर्ज किया गया। डेहरी में 42.6 डिग्री सेल्सियस, गया में 40.9 डिग्री सेल्सियस, सिवान में 40.4 डिग्री सेल्सियस और नवादा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कैसा है राजस्थान का मौसम? मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को चूरू 45.7 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। धौलपुर में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 45 डिग्री, कोटा में 44.8 डिग्री, बीकानेर 44.6 डिग्री, पिलानी में 44.4 डिग्री, वंशथली में 44.2 डिग्री, अंता में 44.3 डिग्री और अन्य प्रमुख शहरों में 44.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भाग एवं पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भाग, विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर के आसपास के इलाकों में आंधी, मेघ गरज और तेज हवाओं चलेगी। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा के सहाड़ा में 15 मिलीमीटर, झालावाड़ के झालरापाटन में 8 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ के रश्मि में 5 मिमी, झारवाड़ में 5 मिमी, गंगार में 3 मिमी, बारा में 3 मिमी, झालावाड़ के पछाड़ में 2 मिमी, बकानी में 2 मिमी और अन्य कुछ स्थानों पर 1 मिमी तक बारिश दर्ज की गई।